नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों तेतीस सालों के बाद 16 अक्टूबर को एकादशी है और ऐसे में शुभ समय का प्रारंभ होने वाला है और कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से दौलत प्राप्ति होने वाली है इन लोगों के जीवन की सारी दुख तकलीफें समस्याएं संकट और आर्थिक तंगों से इन लोगों को छुटकारा मिलने वाला है और पितृपक्ष की यह एकादशी आपके जीवन की समस्याओं को कष्टों को और आर्थिक तंगों को दूर करने में आपका सहयोग करने वाली है तथा आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगे आपके सुबह सुबह का शुरुआत हो चुका है और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव होंगे और काफी अच्छे नई जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके तो, महीने की शुरुआत में ही आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होंगी पैसे को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं आपके अभिरुचि किसी नए काम काज को करने में हो सकती है बहुत सालों के बाद आपके जीवन में जमकर खुशियों की बरसातें होने वाली है आपके लिए आने वाला समय बेहद खास रहने वाला है शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होंगे। आपके जीवन में आने वाले प्रकार की सकते हो, का हो सकता है। आपको पहले परिवार की सलाह अवश्य ले लें हालांकि निवेश में आपको लाभ की दिख रही है। आपका व्यापार व्यवसाय भी एकदम प्रगति करने वाला है आपको व्यापार व्यवसाय में नई शुरुआत कर सकते हैं आपके धन संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त तो होंगी काम काज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोध बढ़ सकता है आपको जीवन में कानूनी सलाह भी लेने पड़ सकते हैं आने वाले समय बहुत ही अच्छा बीतेगा आप वाणी पर नियंत्रण की, की जरूरत रह सकती है आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे आपको अपना खोया हुआ सच्चा हुआ प्यार भी अवश्य प्राप्त होंगे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहेंगी आप बहुत भाग्यशाली रह सकते हैं जीवन में अपने इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में पारिवारिक के व्यक्तिगत मुद्दों को आप पीड़ित न हैं आपकी डूबी हुई रकम भी प्राप्त होंगी धन प्राप्ति का सुगम योग रह सकता है नौकरी में प्रभाव बढ़ सकते हैं व्यापार व्यवसाय भी आपका लाभदायक रह सकता है आपको खोया हुआ प्यार भी अवश्य हासिल होंगे जीवन में इस समय आप अपनी परिस्थितियों

सत्रों पर हावी रह सकते हैं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन समय को व्यतीत करने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं परिवार में माता पिता का सहयोग में आपको सबसे अधिक मिलेंगे आपके जीवन सभी प्रकार के कष्टों का समापन हो सकता है आपको भारी धन लाभ प्राप्त होंगे मित्रों आपको महीने की शुरुआत में ही सारे के सारे दुख दर्द और समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है आपको अचानक से भारी धन लाभ हो सकते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आय में वृत्ति होंगी जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनको प्रेम संबंधित मामले में मिल सकते हैं आपको जीवन में सफलता के मार्ग हासिल होंगे वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा और सभी धन संबंधित समस्याएं भी अचानक से खत्म होंगी आने वाले समय आपके लिए खुशियों के सौगात लेकर आने वाला है आप लोगों के जीवन में भाग्य और धन दौलत की प्राप्ति होंगी महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी आप लोगों को हर तरह से फायदा मिल सकता है संपत्ति के बड़े कार्य में भी आपको मुनाफा मिल सकते हैं धन कमाने की योजनाएं सफल होंगी आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है घर परिवार में वातावरण काफी खुशहाल रह सकता है

आपका यह समय बहुत ही अच्छा रह सकता है रुके हुए कार्य को सफल किया जा सकता है आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी जिसकी वजह से आपका मन काफी प्रसन्न होंगे अगर बहुत समय से किसी वजह से आपको पैसे उधार दिए हुए हैं तो उनको भी आप वापस पा सकोगे वाले लोगों की आय में वृद्धि होंगी कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी का आगमन होंगे धन लाभ हो सकता है और आप लोगों की समस्याओं का समाधान मिल सकता है आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है अचानक से आपको किसी महत्वपूर्ण समारोह में जाने का मौका मिल सकता है

चित्र में आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं पारिवारिक सदस्यों से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने की आशा दिख सकती हैं इस समय इस दौरान आपके धार्मिक कार्यो में रुचि होंगी संतान सुख के अवसर भी प्राप्त होंगे और इस गोचर की अवधि भर में आपका मन काफी प्रसन्न होंगे आपके सभी कार्य भी, भी सफलता पूर्वक पूरे होंगे कार्य क्षेत्र में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी मित्रों आगे जो घटनाएं बताई जा रही हैं वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण रह सकता है इसलिए आगे की जानकारियों को सुनने समझने और अपने जीवन में लाभकारी योजनाओं को प्राप्त करने की अवश्य कोशिश करें मित्रों आप अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं सांस्कृतिक या अन्य सामाजिक कार्यो में आपकी रुचि बढ़ सकते हैं धार्मिक कार्यो में शामिल होकर मन को शांति मिल सकती है आप लोगों को प्रेम में एक खूबसूरत दुनिया बसाने का मौका मिल सकता है आपके इसी तरह से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी आप अपने पार्टनर के साथ तो वाला समय बहुत ही अच्छा रह सकता है दाम्पत्य जीवन में संबंध की स्थितियाँ काफी अच्छी होंगी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समयबद्ध तरीके से आप रख सकते हैं आपके जीवन में लोग प्रभावित होंगे आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है धन लाभ हो सकते हैं तरक्की मिल सकती है हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होंगी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी सेहत भी अच्छी रह सकती है व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगी दूर संचार के माध्यम से आपको शुभ समाचार मिल सकता है जिनसे कि घर परिवार का वातावरण काफी खुशहाल रहेंगे आपके घरेलू सुख सुविधाओं में वृत्तरी होंगे आप लोगों को शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है नौकरी के क्षेत्र में बड़े अधिकारी भी आपसे काफी खुश होंगे आपको कुछ अच्छा सीखने का मौका मिल सकता है व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को कुल कर आप अपने में भरपूर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं आप से लाभदायक यात्राओं पर जा सकोगे आपकी किस्मत भी मजबूत होंगी किस्मत के साथ बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि हासिल होंगे धर्म कर्म के कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है आप सेहत अच्छी रह सकती है प्रेम जीवन में आपको सुखद नतीजे की प्राप्ति होंगे व्यवसायिक व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको जीवन में लाभ मिल सकता है वाहन चलाते समय आपको आपको सावधान रहने होंगे क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका रह विद्यार्थियों तो का भी पढ़ाई में मन लग सकता है आप किसी पुरानी समस्याओं को लेकर अनजान हो सकते हैं और आपको खान पान में रुचि बढ़ सकते हैं व्यापार व्यवसाय में आपकी स्थितियां काफी अच्छी होंगे परिवार के लोगों के साथ आप कहीं अच्छी जगह घूमने फिरने जा सकते हैं आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचने का प्रयास करना होगा अन्यथा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है आप लोगों को जीवन जीवन में मध्यम परिणामों की की प्राप्ति प्राप्ति होंगे साथी सेहत और लाभ हो सकते हैं। नौकरी में चल रही परेशानियां भी दूर हो सकती हैं आप अपने लव लाइफ के पूरा इंजॉय कर सकते हैं आपका स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे बच्चों की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है व्यापार व्यवसाय में

प्रिय चीजों को संभाल कर रखने की आवश्यकता होंगे अन्यथा गुम या चोरी होने की आशंका रह सकती है शादी विवाह योग्य लोगों का विवाह अच्छा रिश्ता मिल सकता है विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होंगी आप अपनी भावनाओं को काबू में रखने की अवश्य कोशिश करें भावनाओं में भर कोई भी निर्णय न करें प्रेम जीवन की स्थितियां भी काफी अच्छी होंगे व्यापार व्यवसाय में भागीदारों की सहायता मिल सकती है आपको लाभ मिल सकता है माता की सेहत में सुधार हो सकते हैं आपके घरेलू सुख सुविधाओं में अवश्य बढ़ोतरी होंगी आमदनी के स्रोत हासिल हो सकते हैं जिनसे की आपका मन प्रसन्न होंगे आप लोगों को वाहन सुखों की प्राप्ति होंगे मकान खरीदने का सपना अवश्य पूरे होंगे